हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि दो पीसी को वायर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इस कनेक्टर का नाम जैसे RJ45 कनेक्टर होता है और केबल का नाम GAT6 केबल। तो GAT6 केबल से दो पीसी को कनेक्ट करते हैं। इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं P2P पीयर टू पीयर कनेक्शन। तो इससे पहले मैं आगे चलूँ, आपको थोड़ा सा एक बताऊँ कि जब भी दो पीसी को कनेक्ट करते हैं तो एक तो हर पीसी का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, और दूसरा नेटवर्किंग पे एक एड्रेस होता है जिसका नाम होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का हम लेते हैं, ये देख लेते हैं। नीचे सिस्टम में तीन चार आइकन होते हैं, एक पावर का, एक नेटवर्किंग का, वॉल्यूम का। इसको बोलते हैं फोकस करेंगे इस पर, इसका नाम लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड नो नेटवर्क एक्सेस वगैरह। अभी मैंने वाईफाई को ऑफ किया हुआ है और एक मेरा वायर्ड कनेक्शन है जो आइडेंटिफाइंग अभी ये बोल रहा है कि कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमें क्या करना है, इस आइकन पे राइट क्लिक, तो ऑप्शन आते हैं ट्रबल शूट और ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग। ये दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो ट्रबल शूट अगर करना हो तो ट्रबल शूट, वरना ओपन नेटवर्किंग पे चलें। तो ये जो मेनू हमारे पास खुलता है इसमें है इथरनेट। इथरनेट हमारे वायर्ड कनेक्शन को बोलते हैं, और इथरनेट पर क्लिक करें तो ये खुल गया। अभी बता रहे हैं कि हाँ जी डाटा ड्यूरेशन हो गया कनेक्ट हुए, 100 Mbps की स्पीड है और बाइट्स आ रहे जा रहे हैं। डिटेल देखते हैं इनका क्या क्या एड्रेस है। इस सिस्टम का मैक एड्रेस 6C C2 17 5S 0A 66 है। इसी तरह दूसरे सिस्टम पे भी देख लेते हैं इसका क्या है। तो दूसरे सिस्टम पे भी यहाँ पे नीचे इसका आइकन है ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके अंदर हमारा खुलता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर जिसमें है इथरनेट। इथरनेट पे क्लिक, इथरनेट का स्टेटस अभी अनेबल्ड है मीडिया। आईपीवी कनेक्टिविटी अभी बता रहे हैं इंटरनेट का एक्सेस नहीं है क्योंकि आपस में कनेक्टेड। और डिटेल्स इसका फिजिकल एड्रेस है 6C C2 17 5E 26 0F। ये यूनिक होता है हमेशा। इसका आईपी एड्रेस है जो इसने ऑटोमेटिकली उठाया है 169.254.236.23, और दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस है 169.254.199.238। इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे A.B.C.D, जिसमें ABCD 0 से 255 तक हो सकते हैं 255। सो टोटल 256 × 256 × 256 × 256 इतने पीसी एट द टाइम कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी नेटवर्क पे। जब ये IPv4 डिज़ाइन किया गया तब लगा था कि इतने नंबर शायद ही हम कभी प्लेनेट पे अचीव कर पाएं, लेकिन अब ये छोटा पड़ने लग गया इसलिए हम IPv6 में चले गए हैं। तो दोनों में आईपी एड्रेस है। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, बस ये इतना सही था। एक्सेस हमें कैसे करना है कि हम यहाँ पर लैपटॉप पे एक विंडो बटन होता है, विंडो और आर, ये रन होता है। या तो आप यहाँ लिख के रन लिख दें, ये रन आ जाता है यहाँ से, ये पहला तरीका। या दूसरा तरीका है, अगर आप सीधा विंडो आर प्रेस करते हैं तो रन खुल जाता है। रन के ऊपर हमें इसका सिस्टम का आईपी एड्रेस लिखना है, लेकिन उससे पहले हमें दो बैकवर्ड स्लैश लगाने हैं, दो बार बैकवर्ड स्लैश 169.254.199.238 इस सिस्टम का आईडी। इसमें दो बैकवर्ड स्लैश 169.254.199.238 इससे उठाया और प्रेस ऑन ओके। ओके खुलते ही अब चाहे इसको अब बंद भी कर दें, एक बार हमारा कनेक्ट हो गया। अब आप कोई भी यहाँ सिस्टम खोलते हैं, माई कंप्यूटर वगैरह, तो नीचे एक आता है नेटवर्क। नेटवर्क पे क्लिक करें तो ये आ गया जैसे बजरंग। बजरंग ये दूसरा है जो दूसरे लैपटॉप का नाम है। इसमें क्या एक्सेस में है, अब थोड़ा सा टेक्निकल एक बार पॉइंट देख लीजिए। एस्पेक्ट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जब भी दो यूज़र आपस में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक तो आपको पता होगा कि हम बहुत सारे यूज़र बना सकते हैं, जैसे अभी NAT यूज़र खुला हुआ है। तो सी डायल के अंदर सीधा एक होता है फोल्डर यूजर्स। ये यूज़र में सब अलग अलग हैं, लाइक अजय हमारे फ्रेंड पहले यहाँ थे, NIT पब्लिक। तो एक तो यूज़र होता है पब्लिक डिफॉल्ट होता है,
जो भी कोई कुछ भी चीज़ आप पब्लिक में डालेंगे वो नेटवर्क पे हमेशा शेयर होता है, फिक्स है। जैसे यहाँ पर है साइबर होम, पॉकी, दिस डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं ये देख लेता हूँ और इस फाइल को मैं दूसरे में एक्सेस करूँगा। यहाँ पे कुछ डाटा है हमारे पास फाइल दिस, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इंटू 10 और ये चीज़ हम देखेंगे क्या दूसरे सिस्टम में हम एक्सेस कर पाते हैं। सेव न्यू माइक्रोसॉफ्ट इसका नाम। अब ये मुझे कहाँ मिलेगा, इस पीसी पे जो बजरंग है यहाँ पे नाम दिया हुआ इनका, यूजर्स, यूजर्स में पब्लिक, पब्लिक के अंदर। अब बिल्कुल वही चीज़ है जो इस सिस्टम में थी वो यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, पब्लिक के अंदर न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ सारा दिखाई दे रहा है। तो हम दो नेटवर्क से भी डाटा उठा सकते हैं। तो बहुत सारी वर्कशॉप में मैं ये बताता हूँ कि एक्सेल के अंदर हम दो नेटवर्क से भी फाइल उठा सकते हैं। वो कैसे, अगर मुझे इस सिस्टम का डाटा चाहिए, मैंने अपने सिस्टम पे खोला और यहाँ पे लिखा इक्वल टू और इस फाइल का एड्रेस, एंटर, ये 50 आ गया। अब इसको एक बार ध्यान से देखें ये क्या चीज़ है, 50 न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये है फाइल का नाम, उसकी शीट 1 का ये वाला डाटा। इसको एक बार यहाँ डिलीट कर दूँ, ये डाटा उठा लिया और पुरानी फाइल को रिलेशन हम बंद भी कर देते हैं। अब देखिए ये है जो पूरा एड्रेस है, यानी // बजरंग जो दूसरा लैपटॉप है नेटवर्क पे, उसमें यूजर, यूजर के अंदर एक फोल्डर है पब्लिक, पब्लिक में न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल .xls फाइल का नाम है, उसकी शीट 1 के C1 का डाटा उठा के यहाँ ले आओ। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ www. कोई सर्वर का एड्रेस, तो ये कनाडा में कोई है लैपटॉप, बेंगलोर में कोई लैपटॉप है, उसका डाटा यहाँ भी उठा सकता है प्रोवाइडेड वो यूज़र एक्सेस दे दे। तो आप एक्सेल में जब हम काम करते हैं बेसिकली ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, हम किसी भी फाइल का कहीं भी डाटा उठा सकते हैं, सिर्फ नेटवर्क पे होना चाहिए और कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब भी कभी हमें दो में कुछ डालना है तो उठा के इसमें डालें। तो मैं एक दो चीज़ देखूँ, मान लीजिए यहाँ पर VNC व्यूअर है, VNC व्यूअर कॉपी, और अभी मैं अपने पब्लिक में डाल देता हूँ, यूजर, यूजर के अंदर पब्लिक और यहाँ पे VNC को डाला, पेस्ट, रिफ्रेश, ये यहाँ पर VNC अवेलेबल है। सो ये हमारा हो गया। दो PC को कैसे कनेक्ट करते हैं, आप सिंपल कनेक्ट करते हैं जो IP एड्रेस आए एक IP एड्रेस में दूसरे को टाइप कर लो। तो इसका इधर भी करके देख सकते हैं द सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पे पहले मैं इसका IP एड्रेस देख लेता हूँ क्या है। अच्छा, IP एड्रेस देखने का एक दो और भी तरीके होते हैं। हमने वीडियो बटन पे क्लिक किया और लिखा CMP, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें लिखना होता है IP config। IP config से ये हमें पूरा इसका एड्रेस बताता है सारे, जैसे यहाँ से लिखा IP config, IP एड्रेस हमारा है, इसने भी लिया हुआ है 192.55.233 दिस, ये जो लैन पे लिया था लोकल एरिया का, और हमारे अभी के जो कनेक्शन हैं ऑटो कन्फिग IPv4 इथरनेट का, ये नहीं देखना ऊपर वाला, ये है कि अगर मैं वायर्ड कनेक्शन करता हूँ या वायरलेस तो क्या है। अभी हम इथरनेट का देख रहे हैं 169.254.236.23 और सबनेट मास्क है, और एक वर्चुअल बॉक्स भी है वो कभी बाद में बताऊँगा मैं आपको टनल। तो इससे भी देख सकते हैं, या दूसरा तरीका एग्जिट, दूसरा तरीका यहाँ से देख सकते हैं इथरनेट, इथरनेट के अंदर डिटेल्स, ये मैं यहाँ पे भी करके देख लूँ। इस सिस्टम में आके मुझे प्रेस करना है विंडो R /backslash आएंगे 169.254.236.23। इसमें अगर पासवर्ड होगा लैपटॉप के अंदर तो ये पासवर्ड भी मांग लेगा। तो देखें हमारा क्या गया, दो आर /backslash 239.254.236.23, प्रेस एंटर, ये हमारा खुल गया। अब ये कह रहा है कि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बताओ। अगर पासवर्ड है तो ये पूछेगा, अब मुझे देखना है कि मेरा यूज़र नेम क्या है, नीरज कौशिक, तो इतने मैं लिखता हूँ
cannot access. Wired की problem होगी. This हम करें. Okay. खैर कुछ issue है दोनों के बीच. PAU SHI के password. Okay. तो ये हमारा कनेक्ट हो गया जो इस सिस्टम के अंदर है. तो ये फोल्डर मैंने शेयरिंग पे डाल रखा है और यूज़र में जो भी डालेंगे, मैंने अपना पूरा सिस्टम ही डाल रखा है. यानी हम पूरे सिस्टम को यहाँ से उठा सकते हैं, कोई भी चीज़ को, पब्लिक को भी, इसको भी, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें यहाँ से भी उठा सकते हैं. यानी आईपी एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड तो पता हो तो हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस वॉज कनेक्टिंग टू लैपटॉप विद द हेल्प ऑफ अ वायर्ड कनेक्शन. थैंक यू.